हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई एम ऑल्सो गुड. सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अदर वीडियो. सो हाँ, अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ. 4:30 या 5 पता नहीं ऐसा कुछ बजा है. तो हम जा रहे हैं तनु को पहुँचाने. सो इट्स अ मोटो व्लॉग. सो या बी इन द वीडियो. मैं वहाँ का पूरा दिखाऊंगी और जंगलों की हालत भी दिखाती हूँ. सो गाइस, सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में और ये मौसम पूरा जो भी है धुंधला लगा है. ये सब जंगलों को जलाने की वजह से हो रहा है. सो अगर आप में से कोई जंगल जलाने वाला ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जंगलों को मत जलाओ, सेव जंगल. इससे बढ़िया जो पिरुल होता है उनको इकट्ठा कर लो, किसी के काम आ जाएगा. ठीक है. सो हम अब चलते हैं और ये रहा स्नूफी, बाय. तो गाइस, हम अभी घर से निकल चुके हैं और यहाँ हम देखो, आप लोग देख सकते हो मार्केट तो रोड तो ठीक हो रही है, बट जो वेदर है उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है बिकॉज ऑफ क्या, धुआं. तो ये मेरा सेकंड एवर मोटो ब्लॉग है. अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आई विल शूट अनदर काइंड ऑफ ब्लॉग. तो मैं इसमें लोगों के रिएक्शन भी कैप्चर करूँगी और मेरे को काफ़ी शर्म भी आ रही है ऐसे बोलने में बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम आज तक ऐसे ब्लॉगिंग करी नहीं है. तो हाँ, यहाँ पर देखो अभी आ रही है लड़की और इसने बड़ा अच्छा सा रिएक्शन दिया हमें. और ये आंटियाँ, आंटियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेसिकली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब रिएक्शन देती हैं. और ये रहा हमारा प्यारा न्यू मार्केट जिसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है. आप लोग देख सकते हो, हार्ड देख सकते हो, ये देखो. तो यहाँ पर आपसे खबा दी, यहाँ पर ये देखो. और हम जाएंगे यहाँ से सीधे नीचे. तो ये देखो, ये आपको हम चालू हो जाएंगे दुकान पर. तो अब हम अब यहाँ पर तनु ने सामान ले लिया है और हम चल पड़े आगे की ओर. तो मेरे साथ दो हाथी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो हिल नहीं रहे हैं. पता नहीं दुनिया के सबसे पतले लोग कुपोषण का शिकार. तो यहाँ पर ये देखो, ये बस लड़की देखी नहीं, ताड़ो काम ही किया तुम्हारा. और यहाँ पर कुछ सीधे साधे लोग भी जा रहे थे. और गाइस, मेरा हेलमेट काम का नहीं हो रहा है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग फॉर यू. तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार. किसको ये देखो गाइस, मैं मेन ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आज मेन में व्लॉग बना रही हूँ. मेन तो ये देखो यहाँ की रोड की कंडीशन. और ये अंकल बिल्कुल लगे पड़े थे और आंटी यहाँ पर अभी हो गया था. अंकल का ध्यान थोड़ा इधर उधर है. और ये आंटी ने अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रैंक कर दिया था, लेकिन हम वीडियो बना रहे थे तो आंटी फंस सकती थी इसमें. और यहाँ की रोड देखो गाइस, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. तो यहाँ अगर किसी को स्कूटी सीखनी है तो वो अगर सीखेगा तो वो किसी जगह नहीं गिर सकता फिर उसके बाद. और लेकिन फर्स्ट में यहाँ अगर कोई सीखेगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी. तो ये देखो, मैं आपको यहाँ के रोड का पूरा भ्रमण कराऊंगी आज, ठीक है. और मेरा ये जो हेलमेट पे मैंने माउंट लगाया है ये बहुत ज़्यादा ढीला हो रहा है. और यहाँ पर ये देखो गाइस, इधर लोग पता नहीं पैदल कैसे चलते हैं भयंकर. ये ऐसा थोड़ी, हाँ बोलो, पैदल कैसे चल लेते हैं. काफ़ी शोर में चलती है गाँव वैसे. यहाँ पर देखो आंटियाँ, इन्होंने बहुत गंदा रिएक्शन दिया पता नहीं क्यों. गंदा रिएक्शन तो भी अच्छा नहीं था. और ये देखो, अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी को कर देंगे बंद क्योंकि कृपया तनु जी आप पीछे बैठे रहे, तो आप पीछे बैठे रहे और चुप रहें, शांत रहें. हमारा कहने का ये मतलब है कि आप बोले ना ज़्यादा. तो गाइस, अभी हम नहीं क्या है इस जगह का नाम, खितोली पहुँच चुके हैं. और अभी हमें बीच में एक गांव और मिलेगा तनु को पहुंचाने से पहले. तो आई होप कि ये वीडियो चल रही हो क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी वीडियो ऑफ हो जाती है और मुझे पता नहीं चलता है. तो अभी देखिए पीछे से तो चल रही है. और ये देखो जंगलों की हालत क्या हो गया है लोगों को. और आंटियाँ यहाँ किसी कथा वथा से आ रही है शायद, क्योंकि सब ने वो पहन रखी है साड़ियाँ वाड़ियाँ. तो यहाँ पर है छोटे मोटे बंदर और
सो अभी हम कहीं पहुंच चुके हैं, ये पता नहीं है कौन सी जगह है। ये भी खितोली है, और मतलब ये मेनली पूरा खितोली का गांव है। और यहाँ पर गाइस मैंने अपना हेलमेट का शीशा हटा रखा है, तो मेरी आंखों में कीड़े जिंगल आला हुर हुर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये देखो निकल गया, चलो एक। और अब ये आ चुका है भराड़ी का गांव, और ये देखो क्या है रे टिंगड़ू, जय श्री राम। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर भराड़ी आ चुका है, और ये भी काफ़ी छोटा गांव है, सबसे बड़ा हमारा गांव है। और अभी मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी, इधर साइड वाला भीड़। अभी मैंने पूरा भीड़ नहीं देखा है, और मुझे यहाँ के घर बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखो पाथर वाले घर, और यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जिससे यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन आज वो नहीं है, ये है ये। और ये देखो यहाँ की रोड, मुझे पता है जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि और दिन इस रोड पे मेरे को स्कूटी नहीं मिलती है। तो मैं आज उन्हें बताऊंगी कि कैसा होता है दूसरे के पीछे बैठना। और मैं एक अच्छी राइडर बन चुकी हूँ अब, तो प्लीज़ मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं ऐसे ही तेज़ तेज़ चलाऊँगी, अगर आपको आना है तो आओ, वरना आप उतर सकते हो यहाँ पर से ही। तो हाँ, तनु से पूछो कि हम रोज़ कितना तेज़ चलाते हैं स्कूटी को। आज तो बहुत आराम से जा रही हूँ मैं, अभी तो 5 मिनट में बिना पहुँच जाती हूँ। तो योगी लाया था, योगेश तो नीचे भी ऑन में ले जाता है मेरे को। देखो मैं न्यूट्रल पे ले जा रही हूँ, ऊपर से फिर मैंने ऑफ कर रखी है गाड़ी। और यहाँ देखो मेरी आँखें फूट चुकी हैं इन धुएँ की वजह से। गाइस क्यों जला रहे हो तुम इन जंगलों को, क्यों, आखिर क्यों, क्या मिल रहा है तुम्हें जला के, धुआं ही धुआं। ये देखो गाइस शुद्ध ऑक्सीजन की जगह पहाड़ों में ऐसी हालत हो चुकी है। ये देखो दूर दूर तक, जितने दूर तक देखो बस धुआं ही धुआं है। और इससे हम जो बीमार होंगे ना, कोविशील्ड से अगर हमें हार्ट अटैक आए ना आए, इससे ज़रूर आएगा। और ये देखो, ये देखो इन दोनों ने इतना गंदा बैठे, पीछे कहाँ चले रहे, लंबी टांगों का यही वो है नुकसान, वही तो कब का ही लग रहा था वो तो पागल। यही होता है भाई, वो हर दिन भी आज मौसम खराब हो रहा है तब ज्यादा वो दिख रहा है। तो गाइस आज सूरज गलत डूब रहा है तनु यहाँ पर, और दिनों यहाँ छोटे मोटे बच्चे होते थे क्रिकेट खेलने के लिए, आज वो नहीं है यहाँ पागल। तो अभी हम जस्ट कहाँ पहुँच रहे हैं, इस जगह का कोई नाम नहीं है, ये है तमोली गुईर। अगर देखो आपको मैं यहाँ की वो भी दे रही हूँ रिव्यूज़, ये गांव और नीचे रहतोली जाके एंड हो जाता है। और अब हमको अपनी स्कूटी ऑन करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर से नहीं चढ़ेगी, और मेरे साथ दो वेटेड लोग बैठे हुए हैं। अभी हम क्या बोले, अब हम वहाँ से क्या बोले गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते यार, क्या हो गया आपको, लाइक करो फटाफट लाइक करो, अरे अभी भी नहीं करिए जल्दी करो। और यहाँ देखो यहाँ का इतना अच्छा वेदर है, लेकिन आज देखो धुएँ की वजह से ऐसा हो गया है। आधे तो ये जो जानबूझ के लगाते हैं वो होते हैं, आधे ये वन विभाग वाले लगा देते हैं आग, उनको कुछ तो अपने खर्चे के लिए। देखो तुम लोग सबकी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो, और अपने मजे के लिए अपनी खुद की हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो गाइस। इस धुएं में कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तुम्हें पता भी है, वही तो हर जगह पूरा उत्तराखंड आग से भभक रहा है, ऐसा क्यों। लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य इस धुएं से कितना ज़्यादा ख़राब होगा, और क्या क्या नहीं हो सकता है हमारे साथ। और मैं इतनी शुद्ध हिंदी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे उसमें एक किसी का कमेंट आया था कि आप कृपया अपनी मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग करें व्लॉग्स में। तो मैं कोशिश करती हूँ, बट मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं ज़्यादा वर्ड्स को ऐड कर देती, ज़्यादा शब्दों को ऐड कर देती हूँ अंग्रेजी के, तो मैं कोशिश नहीं करती कि मैं ऐड करूँ। लेकिन मित्रों मेरे से गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि
इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलने की तो मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ, तो अब इसमें मेरा कोई इससे मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें अगली बार से, और इस बार से मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ। और ये रहा कौन सा गुर है, ये है तमोली गुर, और यहाँ पर मैं ब्लॉग बना रही, तो आप चुप रहो थोड़ा सा बोलो मत। तो ये आगे एक राइडर तल्लू के गाँव के, ये देखो यहाँ तक परफ्यूम की खुशबू आ रही है भाई भाई साहब कौन सा परफ्यूम है इतना स्ट्रॉन्ग। तो देखो अगर कोई नहाता नहीं है तो इनसे संपर्क करें, कहीं वीडियो देखेगा तो गाली ना कर ले। तो हम मजाक मस्ती कर रहे हैं, इसको ज़्यादा दिल पे ना ले गाइस। और अब हम तन्नू के घर पहुँचने वाले हैं, घर नहीं सॉरी रोड पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस व्लॉग को शायद एंड कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ के रोड कंडीशन दिखानी थी आपको, और यहाँ का वेदर दिखाना था कि कैसा हो रहा है सब जगह का, मतलब ये सब जगह का है। तो अभी मुझे एक मौका मिल गया था व्लॉग करने का, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो अभी क्या बोलूँ फिर मैं, सो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो बताना और कमेंट करके बताना कि मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपको कैसा लग रहा है। आज पहली बार मैं पूरा भेरनाक से यहाँ तक बोली होंगी बिना रुके हुए, तो बोल तो मैं बहुत सकती हूँ क्योंकि सबको पता है जुबान मेरी चलती बहुत है, लेकिन जैसे ऐसा होता है व्लॉग्स में मैं कम बोल पाती हूँ। ये देखो यहाँ भी आग लगा दी, चलो ये तो इनके पर्सनल खेत है, इसमें तो खेती अच्छी होती है करके लगाते हैं, लेकिन जंगलों में नहीं लगानी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो तो चैनल में, ठीक है चलो भाई okay, उतरो भाई कर देंगे मेरा बैग।